अस्सलामुअलैकुम, मैं गुलाम रसूल आज फिर आया हूँ एक नया वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किब्बे हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। मटन किब्बे हमारा है स्टफिंग के साथ, इसे बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेपना के साथ भी बनाते हैं, मगर मैं आज फ्राई पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट्स जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बॉल ले लेते हैं, इसमें हमें ऐड करना है बुरगुल, फाइन बुरगुल 250 ग्राम्स, ज़्यादा ऐड नहीं कीजिए, फाइन बुरगुल होगा हमारा। इसमें वाटर ऐड कर लेना 100 ml। वाटर ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसे सूखने के लिए, अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, सूख करने के लिए 10 मिनट के लिए। हमारा 10 मिनट हो गया, ये देख लीजिए, ये कितना अच्छा हमारा ये फूल के ऊपर आ गया आराम से। अब इसे एक साइड करके रख लेते हैं। अब 1 kg हम बिना फैट का मीट ले लेते हैं, मटन जो हमारा है, ठीक है। अब इसे हम लोग मशीन के अंदर ऐड करके कीमे मशीन में उसे मैश कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो कीमा करना है, ठीक है, मशीन ज़्यादा मोटा कीमा नहीं होना चाहिए, पतला कीमा रखना है, ठीक है, इसलिए हमने पतले जाने का इस्तेमाल किया। सेम इसी तरह बुरगुल को भी हम कीमा कर लेते हैं मशीन में ऐड करके, सेपरेट सेपरेट कीमा कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा मटन थोड़ा ज़्यादा है, आपको बताएंगे कि मटन उसमें कहाँ रखते हैं, ठीक है, 1 kg मटन इसमें यूज़ नहीं करते। अब एक अलग बॉल ले लेते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं 250 ग्राम जो हमारा मैश किया हुआ बुरगुल है वो, और साथ में 250 ग्राम मटन का जो हमारा कीमा है मीट का वो ऐड कर लेते हैं। सॉल्ट ऐड करते हैं टेस्ट के अनुसार, 1/2 स्पून कुमिन पाउडर ऐड करेंगे इसमें, 1/2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर लेते हैं। भी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, देखिए मीट और बुरगुल दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, कम बेसी मत कीजिए वरना आपको फट जाएगा। इसे अच्छे से मैश कर लेने के बाद इसे एक साइड करके रख लेते हैं, रख सकते हैं दूसरे स्टेप। चूल्हे के ऊपर एक पैन बैठाते हैं, उसमें बटर ऐड करके इसे हीट कर लेते हैं, बटर को मेल्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब बटर मेल्ट हो जाए तो उसमें ओनियन ऐड कर लेते हैं 2 पीस चॉप्ड ओनियन, उसे थोड़ा सा फ्राई करते जाता है। उसके बाद उसमें ऐड करते हैं गार्लिक 2 पीस गार्लिक का चॉप, उसे भी फ्राई कर लेते हैं। अब ऐड कर लेते हैं 50 ग्राम पाइन नट्स, आप चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं या नहीं भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है 500 ग्राम जो हमने कीमा किया हुआ था बचा हुआ, 500 ग्राम इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, छोटा छोटा करना है, बड़ा पीस में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, अच्छे से मिक्स करना होगा, क्योंकि अभी ये मिक्स हो जाएगा, बाद में ये मिक्स नहीं होगा जब ये पक जाएगा, इसीलिए अच्छे से मिक्स करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर लेते हैं टेस्ट के अनुसार, साथ में 1/2 स्पून कुमिन का पाउडर ऐड करना है, 1/2 स्पून कोरिएंडर का पाउडर ऐड कर लेते हैं, 1/2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और इसे कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना, स्लो फायर पे। अब जब हो जाए उसके बाद हम इसमें 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेते हैं और इसे 5 मिनट और पकाते हैं, उसके बाद इसे निकालना है, ठीक है, ब्लैक पेपर ज़्यादा देर हमको पकाना नहीं है, ठीक है, इसलिए लास्ट में हमने डाला है। अब इसे एक साइड बॉल में निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब एक अलग बॉल ले लेते हैं, उसमें ठंडा वाटर लेते हैं, कोल्ड वाटर, ठीक है ना, गर्म वाटर नहीं, नॉर्मल वाटर ठंडा। अब देखिए हमारा, अब हम स्टार्ट करेंगे स्टफिंग कैसे करते हैं, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। पानी सबसे पहले हैन में लगा लेते हैं, अब उसे मैश जो हमने किए थे पूरा बुरगुल का डो उसमें हाथ में ले लेते हैं। अब एक उंगली के सहारे से इसे फ्लैट करना है, देखिए राउंड अंदर जो है ना, ज़्यादा लेयर मोटा नहीं रखिएगा, पतला भी नहीं रखिएगा, ठीक है ना, मीडियम में रखिएगा। अब इसमें जो हमने कीमा करके रखा है उसे स्टफ कर लेते हैं, ये देखिए हमने स्टफ कर लिया है। अब ये क्या होगा, दोनों साइड से इसकी मुंह निकली रहेगी और बीच में ये फुला रहेगा मोटर टाइप का, ठीक है ना, इस तरीके से कीपे आप बना लीजिएगा। हमें इसी तरीके से सब बना लेना है, ठीक है ना, देखिए स्टफ कर लेना इसी तरीके से सारे, ये देखिए यहाँ हमारा सारा स्टफ हो गया। अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। अब एक अलग पॉट ले लेते हैं, उसमें ऑयल ऐड करते हैं फ्राई करने के लिए, उसे हीट कर लेते हैं। जब हीट हो जाए तब किब्बे ऐड करके उसमें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, गोल्डन फ्राई करना है हमको, इसलिए मीडियम फ्लेम में करेंगे, ठीक है ना, ये देखिए हमें फ्राई करना।
ये देखिए हमारा गोल्डन फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, ठीक है ना, टिश्यू पेपर रख कर, ताकि ये जितना ऑयल है सब इसके अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।